दिस इज सृष्टि, वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से हाजिर हैं हम मई महीने के मैगजीन के सार संग्रह को लेकर आपके साथ। इस वीडियो में हम अनुप्रेरक युवा प्रतिभाओं की बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम कुछ यूपीएससी टॉपर और स्टेट पीसेस टॉपर की बात करने वाले हैं, उनकी रणनीति के बारे में भी जानेंगे और उन्होंने एस्पिरेंट्स के लिए क्या सुझाव या संदेश दिए हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ मेन मेन टॉपिक्स मिलेंगे। अगर उनसे पूरी बातचीत आपको देखनी है या जाननी है, उनके रणनीति को विस्तृत तरीके से जानना है, तो आपको प्रतियोगिता दर्पण मई महीने की मैगजीन को देखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने पहले टॉपर के बारे में देख लेते हैं। ये हैं मयंक मिश्रा, तस्वीर आप इनके यहाँ पर देख सकते हैं। मयंक मिश्रा सिविल सेवा परीक्षा 2021 में चयनित हैं। इन्होंने 228वां स्थान प्राप्त किया था। इनका कहना है कि मेरी सफलता का मूल मंत्र है सकारात्मक दृष्टिकोण, कार्य के प्रति समर्पण एवं निरंतर कठिन परिश्रम। इन्होंने एस्पिरेंट्स के लिए क्या कुछ सुझाव दिया है या इन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए ये देख लेते हैं। देखिए, जब इनसे सवाल किया गया कि इस परीक्षा में बैठने का निर्णय लेने के बाद आपका पहला कदम सबसे कठिन होता है, शुरू में तैयारी के लिए सही सलाह कहां से मिले, तो इन्होंने क्या कुछ कहा वो बताएंगे हम आपको। जब हम किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, या आप लोग यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या फिर स्टेट पीसेस एस्पिरेंट हो, तो आप लोग जब तैयारी करने के बारे में सोच रहे होते हो या फिर तैयारी कर रहे होते हो, तो कई बार ये मन में ख्याल आता है कि कहाँ से सलाह लें, कहाँ से गाइडेंस लें कि सही गाइडेंस मिले, और फिर प्रॉपर उसी गाइडेंस को फॉलो करके आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से बेहतर कर पाए। तो इन्होंने क्या कहा है कि मैं बहुत व्यवस्थित था और व्यवहारिक मानसिकता के साथ इस परीक्षा में शामिल होने आया था। मुझे परीक्षा के बारे में बुनियादी जानकारी थी और मुझे अपने वरिष्ठों से कुछ जानकारी मिली। उसके बाद मैंने यूपीएससी पाठ्यक्रम और यहाँ तक कि पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को भी देखा, जो कई संदेहों को दूर करते थे। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जितने भी चयनित हैं या फिर जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, वो हमेशा यही सलाह देते हैं, या फिर जितने भी यूपीएससी के कोच हैं वो हमेशा यही सलाह देते हैं कि PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को और सिलेबस को ज़रूर देखें, क्योंकि सिलेबस और पिछले साल के पेपर देखने से अंदाज़ा लग जाता है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, किस तरीके से सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखिए, इन्होंने एस्पिरेंट्स के लिए क्या सुझाव दिया है वो देख लेते हैं। मैं उन गंभीर उम्मीदवारों को संबोधित करना चाहूँगा, आपको अपना सर्वश्रेष्ठ देना जारी रखना चाहिए। एक ऐसी परीक्षा है कि यदि आप इस पर डटे रहे और निरंतरता बनाए रखें, तो ये उम्मीदवारों को पुरस्कृत करती है। इन्होंने कहा है कि आपको डटे रहना है, हार नहीं माननी है, आपको लगातार कोशिश करते रहना है। कोशिश करते हैं तो सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। आशावादी बने रहें, अच्छे दोस्त बनाए, अपने परिवार से जुड़े रहें, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इनका यह भी कहना है कि लगातार कोशिश करें, एक बार में आपको जरूरी नहीं है कि सफलता मिल जाए, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएंगे। चलिए अगले जो चयनित हैं उनके बारे में देख लेते हैं। ये देखिए, ये हैं अरुण सिंह ठाकुर, मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा 2019 में चयनित हुए थे। 91वां स्थान इनको मिला था। इन्होंने प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन को लेकर भी कुछ ने शब्द कहे हैं, वो भी हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले इनकी सफलता का मूल मंत्र जान लेते हैं। दृढ़ता, निष्ठा, गहन अध्ययन एवं कार्य के प्रति समर्पण। अब जान लेते हैं प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा है, हम ये भी जानेंगे कि इन्होंने एस्पिरेंट्स को क्या सुझाव दिया है। सबसे पहले देखिए, प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन के बारे में इन्होंने कहा है कि प्रतियोगिता दर्पण की सामग्री उच्च स्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण होती है तथा अनूठे तरह से पिरोई रहती है। ये जो अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराती है वो प्रतियोगी परीक्षाओं की अनिवार्यता होती है। ये सफलता का पर्याय बन गई है तथा अभ्यर्थियों के लिए सद्गुरु है। देख रहे हैं आप लोग कि इन्होंने प्रतियोगिता दर्पण मैगजीन को लेकर क्या कुछ कहा है। देखिए, एस्पिरेंट्स के लिए क्या संदेश या सुझाव देना चाहते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। श्री अनुर कुमार जी का कहना है कि सभी अभ्यर्थी अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार, मेहनती व समर्पित रहें, समय समय पर अनुभवी जन का मार्गदर्शन लेते रहें। यानी कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो यूपीएससी के फील्ड में कई सालों से हैं, या फिर मेंटर हैं, एजुकेटर हैं, कोच हैं, या फिर जो इसमें चयनित हैं, या फिर जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, किसी कारणवश उनका चयन नहीं हो पाया, उनसे आप समय समय पर मार्गदर्शन लेते रहें। और जब सफलता का
मार्ग प्रशस्त ना हो जाए, धैर्यवान बने रहें, कर्म करते रहें। कुछ पंक्तियों के साथ इन्होंने खत्म किया है, क्या पंक्तियां कही हैं वो जान लेते हैं। क्योंकि जब हम तैयारी करते हैं तो कई बार हमारे मन में डीमोटिवेशन आता है, जब हम किसी भी काम को करते रहते हैं लगातार और सफलता नहीं मिलती है तो भी हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि ऐसा लगता है कि हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन हमें सफलता नहीं मिल रही है, बार बार विफल हो रहे हैं, बार बार असफल हो रहे हैं। तो असफलता से घबराना नहीं है, धैर्य बना के रखना है, सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। मेहनत कर रहे हैं तो मंजिल आपको ज़रूर मिलेगी। और वो कहते हैं ना कि कोशिश करते रहो, सफल नहीं हुए तो असफलता से सीख जरूर मिलेगी। तो इन्होंने क्या लाइन कही है उस पर ध्यान दे लेते हैं। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते करते समय अपनी पूरी आत्मा उस काम में डाल दो और बाकी सारे काम भूल जाओ और देखना एक दिन तुम्हारे सपने ज़रूर पूरे होंगे। इनका कहना है कि एक समय में सिर्फ एक ही काम करिए, ऐसा नहीं कि आपने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, वो भी कर लिया, ये नहीं चलेगा। एक समय में अगर एक ही काम करेंगे तो अपना 100% उस काम के लिए आप दे पाएंगे। और जब आप किसी काम के लिए 100% अपना देते हैं तो जाहिर सी बात है कि उस काम में आपको सफलता जरूर मिलती है। फिलहाल अनुप्रेरक युवा प्रतिभाओं के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, लेकिन इन जो चयनित उम्मीदवार हैं, जो चयनित सफल अभ्यर्थी हैं, इनसे पूरी विस्तृत इंटरव्यू आपको प्रतियोगिता दर्पण मई महीने की मैगजीन में मिल जाएगी। मैगजीन के लिए आप हमारी वेबसाइट www.pggroup.in पर विजिट कर सकते हैं। नज़दीकी बुक स्टोर से मई महीने की मैगजीन को आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए कहीं भी किसी भी जगह पे अपने घर पर मैगजीन को मंगवा सकती हैं। धन्यवाद।